कमिन सर कमिन गुड आफ्टरनून बैठिए प्रियर्शी थैंक यू सर आपकी बातचीत का माध्यम हिंदी है इंग्लिश है सर हाँ बैलिंग बैलिंग है आ, आपने ध्यान दिया होगा हम लोग कोविड से संबंधित जो एहतियात बरतनी चाहिए सावधानियाँ वो बरत रहे हैं मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं दूरी बना के भी रख रहे हैं आपकी कुर्सी भी दूर रखी गई है आपस में भी हमने दूरी रख रखी है चूँकि सुरक्षित दूरी है तो आप मास्क हटा सकते हैं ठीक है थैंक यू सर अपना परिचय दीजिए सर मेरा नाम प्रियर्शी सौरभ है मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बी टेक मैकेल इंजीनियरिंग में उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि बीजू पटना एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी राहुल किला से एफिलेटेड वहाँ से है दो हज़ार में किया है उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरी हॉबी वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ है और मेरा ऑप्शनल जोग्राफ़ी है अपने कैरियर के बारे में आपने गंभीरता से सोचना कब शुरू किया आ, सर अगर इस बारे में अगर देखा जाए तो अगर सच सच में बताऊँ तो मैं दो हजार के बाद में अच्छे से गंभीरता से विचार किया हूँ उसके पहले क्या सोच रहे थे मतलब आपने इंजीनियरिंग की बिना सोचे समझे नहीं सर मैंने सोच एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में शुरू से करना चाह रहा था पर कुछ फैमिली इश्यूज के वजह से मैं 2015 से लेकर 18 के बीच में अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाया और सीरियस आपके तो आर... कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था कि नहीं हाँ सर हमारा उसमें आप placement. शरीक हुए थे हाँ सर हुआ थे. कौन कौन सी कंपनी आई थी सर टी आई थी और टेक महिंद्रा आई थी तो मेरा सलेक्शन टी में हुआ था ज्वाइन किया आपने सर जी नहीं क्यों सर मेरा शुरू से रुझान आ, सिविल सेवा में आने का था तो इसलिए मैंने काम जब, करते हुए भी, भी कर सकते थे तैयारी सर आठ ही घंटे तो काम करना होता है चौबीस घंटे का समय होता है चार पाँच घंटे की तैयारी तो काफी होती है रोजाना सर मैं आपने इस परीक्षा के लिए रोजाना कितने घंटे का औसतन पढ़ाई की है छः से सात घंटे छः से सात वो तो नौकरी करते हुए भी, भी कर सकते थे हाँ सर कर सकते और सर लागत क्या होती है समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाँ सर क्या होती है मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसा है कॉस्ट है जैसे मैं एग्जांपल देके समझाना पसंद करूँगा जैसे मैं मैं इंजीनियर हूँ अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो जो मैं लॉस किया जो कमा के जो लॉस किया उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं जैसे कि अगर मैं जॉब करता तो हो सकता है कि मैं आ, कुछ कमाता वो जो मैं नहीं कमाया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस होगा मतलब जो आए आप स्वेच्छा से त्याग रहे हैं वो आपके तैयारी का अवसर लागत हो गया तो गणना करके बताइए तो कि छः साल में आपने कितनी लागत भुगत ली है अभी तक मतलब कितनी आय गंवा दी तकरीबन बीस लाख बीस लाख रुपये गंवा दिया अब कैसे वसूलेंगे आप प्रशासक बन के? वेतन तो उतना मिलेगा नहीं सर वेतन ही एकमात्र माध्यम नहीं है उसके अलावा एक सेल्फ़ सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन सेल्फ होगा मुझे इस फील्ड में आकर के अच्छा ये बताएं कि जब आप पैदा हुए थे तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आ, उस टाइम पीवी वी नरसिम्हा राव सर थे अच्छा कब उन्होंने शपथ लिया था सर एग्जैक्टली exactly मुझे डेट तो याद नहीं बट मैं गेस करना चाहूँगा वर्ष याद है नाइनटीन नाइन्टी में शपथ लिया था उन्होंने सॉरी सर नाइनटीन नाइन्टी मई नाइनटीन अच्छा उदारीकरण के तीस वर्ष माने जा रहे हैं क्या उपलब्धियां रही हैं तीस वर्षों में उदारीकरण की सर जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में उदारीकरण का दौर आ, 1991 से शुरू हुआ और उसके बाद तत्पश्चात तीस सालों में भारत आ, का जो विकास दर है वो बहुत हद तक बढ़ा है और जो जो इन्वेस्टमेंट है एफ है और जो जितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है तो देखा जा सकता है कि एफ और इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा विकास स्तर बहुत बढ़ा है पहले के मुकाबले ठीक है प्रियदर्शी प्रियदर्शी आपका वैकल्पिक विषय भूगोल है सर, yes, आप ये बताएं कि पिछले 24 घंटे में आप धनबाद से हैं यस yes. धनबाद में कोई ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया हो यस सर बताएं धनबाद में जो हाल की दो दिन पहले की घटना है एक एडिशनल सेशन जज थे उनका नाम उत्तम आनंद है आनंद था और उनकी हिट एंड रन केस में उनकी मौत हो गई है तो ये ये चर्चा में ये चर्चा का विषय है पूरे देश में अभी अच्छा क्या झारखंड की भौगोलिक स्थिति या उसकी भौगोलिक विशेषताएं वहां पर क्राइम के बढ़ने में सहायक रही है आप मानते हैं ऐसा कुछ कि वहाँ की कोई भौगोलिक विशेषता ऐसी जिसकी वजह से भी वहाँ पे क्राइम बढ़ा हो हाँ सर ऐसा देखा जा सकता है भूगोल आपका वैकल्पिक विषय है थोड़ा लिंक करके आप बता सकते हैं अगर सर हाँ ऐसा देखा जा सकता है कि जैसे हमें पता है कि झारखंड में लगभग तीस परसेंट के आसपास फॉरेस्ट इलाका है तो ऐसा देखा गया है खास करके मैं धनबाद इस इशू के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं पहले ओवरऑल बता रहा हूँ कि ओवरऑल झारखंड को लेकर बताएँ हाँ जैसा देखा जा रहा है कि थर्टी परसेंट के आसपास झारखंड जा, में फॉरेस्ट एरिया है तो ऐसा देखा जाता है कि आ, जो घटनाएँ होती हैं उसके बाद लोग जो होते हैं घटना करने के बाद वो फॉरेस्ट में चले जाते हैं जो कि इनएसेसबल है पुलिस प्रशासन के द्वारा अच्छा ये भौगोलिक विशेषता है जो वहाँ पे क्राइम को बढ़ा रहा है मतलब बढ़ाने में सहायक रहा है मेरी समझ से सर ये है अच्छा क्या रिसोर्सेज वगैरह नहीं है अवैध खनन हाँ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अच्छा जोस... आप बताएं कि धनबाद कौन से रिसोर्सेज के खनन के लिए बहुत फेमस है सर जैसा हमें पता है कि धनबाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहलाता है तो धनबाद ज़्यादातर धनबाद कोयला के लिए ही फेमस है कोयले के लिए फेमस है अब आप एक बात बताएं कि कोयले के उपयोग को लेकर के कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं जैसा कि हमें पता है कि कोयले में सल्फर की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है तो अच्छा, क्या सभी प्रकार के कोयलों में सल्फर जहाँ तक मुझे लगता है सल्फर लगभग सारे कोयले में पाया जाता है ठीक है और उसके बाद सल्फर से जो सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलता है उसके बर्निंग के बाद उससे पर्यावरण पे बहुत बुरा असर पड़ता है अच्छा सिर्फ यही एक मौलिक समस्या आपको नज़र आ रही है नहीं इसके अलावा और भी है जैसे कि आ, क्योंकि कोयला के यूज़ से जो पी एम क्योंकि इसमें बहुत सारे डस्ट और स्मोक भी निकलते हैं उसके वजह से भी पॉल्यूशन पी एम और पी एम तो दोनों की वजह से भी मतलब अच्छा दर्शी आपने डांगी पहाड़ी के बारे में सुना है कुछ सॉरी नहीं खैर आप ये बताएं कि जो औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत है किसने दिया सर इंग्लिश में थोड़ा ये बोले इंडस्ट्रियल लोकेशन थोड़ी सर ये इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी वेबर के द्वारा दिया गया वेबर के द्वारा दिया गया अच्छा इस सिद्धांत के आधार पर क्या झारखंड में या आस कहीं झारखंड में या अन्य किसी राज्य में उत्तर भारत में उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ है लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हाँ सर ऐसा देखा गया है खास करके बोकारो में और दुर्गापुर में राउरकेला में ऐसा देखा गया क्योंकि विबर के सिद्धांत के अनुसार जहाँ पे रॉ मटेरियल है और जहाँ मार्केट है मार्केट अगर हम कोलकाता का पोर्ट दिखे पारादीप का पोर्ट दिखे और वहाँ पर हमारे कोयला है तो वहाँ पे इसलिए दुर्गापुर का बोकारो का भिलाई भिलाई भी उसी इलाके में अगर देखा जाए तो क्योंकि कोल वाला बेल्ट है तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल का लोकेशन हुआ अच्छा कोलकाता पोर्ट का झारखंड में जो स्टील इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ है उसमें कोई योगदान है अगर है तो कैसे सर झारखंड से सबसे करीबी पोर्ट कोलकाता पोर्ट ही है जो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है कोलकाता पोर्ट और पारादीप पोर्ट ये दो पोर्ट से होता है तो कोलकाता पोर्ट का बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है झारखंड के क्या इम्पोर्टेंस है मैं ये जानना चाहता सर एक्सपोर्ट जो हम करते हैं खास करके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि देखा जाता है जो हमारा आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है वो ईस्टर्न इंडिया में वहाँ से हो सकता है अच्छा झारखंड में पर्यटन उद्योग के विकास की संभावनाएँ क्या हैं हाँ झारखंड जैसे हमें पता है कि तीस परसेंट से अधिक वहाँ पे फॉरेस्ट इलाका है और जो पाटलैंड का इलाका है वहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं और उसके बाद तो वहाँ देखा जा और एक पारसनाथ की पहाड़ी भी है तो ऐसा देखा जाता है कि झारखंड में पर्यटन की बहुत सारे हैं जैसे कि जैसे कि जो नेचुरल ब्यूटी है खास करके पहाड़ पर्वत और वाटरफॉल्स की वजह से वहाँ पर पर्यटन की बहुत असीम संभावना है बेहतर संभावना हैं चलें प्रियदर्शी अच्छा लगा आपसे बात करके सर प्रियदर्शी yes. सौरभ प्रियदर्शी सौरभ अगर आपको पाली भाषा में कहा जाए आपका प्रथम जो नाम है उसे क्या कहेंगे सर मुझे पता नहीं बट मैं गेस्ट करना पसंद जी बताएं क्योंकि प्रियदर्शी अशोक का भी नाम था पीएम दर्शी शायद ऐसा कुछ था इस प्रियदर्शी हाँ ठीक है तो जो अशोकन स्क्रिप्ट हैं उसे किसने खोज निकाला किसने पढ़ा एक्चुअली मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसके बारे में पढ़ा था आ, 1839 1830, में उसकी खोज हुई थी मैं नाम एक्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है मुझे बताएं कि जो अशोक प्रियदर्सी हैं उनका नाम मिलता है देवनाम प्रियदर्सी बेसिकली तो वो उन्होंने एक धम्म प्रतिपादित किया ये धम्म क्या था धम्म उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो उसको धम्म का नाम देते थे मतलब वो एक रिलीजन नहीं था इसमें एक ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि पशुओं का हत्या नहीं करना है और सबके साथ या... मतलब बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना ठीक है उस मुझे बताएं कि अशोकन जो ये धम है पॉलिसी है भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ दिखाई पड़ता है अशोकन धम की जो पॉलिसी है मेरे ख्याल से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में खास करके हमें देखने को मिलता है और डी में भी देखने को मिलता है जैसे जैसे कि आ, मैं एक्चुअली आर्टिकल रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कोई नहीं आप नाम बता दें न... कि हमें गो, आपके अभी पशु हत्या के बारे में नहीं करना है या फिर जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हुँ, है।, हुँ। है कि हमें अपने सामाजिक रिकॉल नहीं कर ठीक है कोई बात नहीं है जब आप सामाजिक न्याय की बात कर ही रहे हैं तो मुझे बताएं कि भारत के संविधान का एक सौ संविधान संशोधन कानून है वो सामाजिक न्याय की अवधारणा को और अधिक मजबूत करता है कैसे सर एक सौ दो संविधान जो समझौता था संविधान सम, संशोधन था उसके तहत ई जो जो श्रेणी है उसको एक दस, दो सौ तीन सर एक सौ तीन एक सौ तीन हाँ। मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ ठीक है बताएं हाँ तो उसके तहत दस परसेंट ई को आरक्षण दिया गया था और उनसे जो गरीब के गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनको आरक्षण दिया गया था इस एक बार आप दोबारा देख लेंगे खैर कोई बात नहीं मुझे बताएं कि अभी चार पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन आयोग के संबंध में एक प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट एजिटेशन हो रहा है वो क्या है वहां के राज्य क्यों इस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहां पे परिसीमन आयोग स्थगित कर दिया जाए उसके कार्य को स्थगित कर दिया जाए सॉरी सर मुझे इसका ठीक है किस आर्टिकल में परिसीमन आयोग का उल्लेख मिलता है सॉरी सर मुझे नहीं पता ठीक है मुझे ही बताएं कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट जो कि नेपाल की सीमा से टच करते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सीतामढ़ी अररिया किशनगंज सीतामढ़ी सीतामढ़ी बोल दिया मैंने और सर इतना ही याद आ रहा है मुझे अभी ठीक है कोई बात नहीं सर प्रियदर्शी अभी बजट किसने पेश किया है बिहार में सर बजट अभी वित्त मंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी ने पेश किया है अच्छा इस बजट की क्या खासियत है सर इस बजट की खासियत है कि जो सबसे ज़्यादा जो बजट है लगभग दो लाख चालीस हजार करोड़ के आसपास पेश किया गया है उसका सबसे ज्यादा अच्छी बड़ी खासियत है कि सबसे ज्यादा जो व्यय है शिक्षा पे किया गया है कितना लगभग सर तकरीबन मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ कितना हुआ अच्छा और क्या है कुछ विशिष्ट बजट भी आम बजट के अलावा कुछ विशिष्ट बजट भी पेश किए गए हैं सर मुझे इसके बारे में ज्ञात नहीं है कोई जानकारी नहीं है जैसे ग्रीन बजट या हरित बजट पेश हुआ है या जेंडर बजट भी पेश हुआ है बाल बजट चाइल्ड बजट भी पेश हुआ है सर हाँ मैं या, या रिकॉल कर लिया हूँ ग्रीन बजट पेश हुआ है जिन फिर उसके बाद बाल बजट भी पेश हुआ है तो क्या इन, होता है हरित बजट या ग्रीन बजट सर बजट का कुछ हिस्सा इन्वायमेंट के लिए स्पेशली रखा जाता है उसको बोलते हैं ग्रीन बजट अच्छा बजट क्या होता है सर बजट जो सरकार का जो कि, जो व्यय करेगी सरकार साल भर में जो वित्तीय वर्ष में जो व्यय करती है सरकार उसको हम बजट बोलते हैं सिर्फ खर्चे को बजट कहते हैं सारे खर्चों और जो खर्चे हाँ लगभग जो खर्चे होते हैं उनको ही बजट और उस खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे वो बजट में नहीं होता हाँ सर दोनों का प्रावधान होता है अच्छा संविधान में कहीं बजट का उल्लेख है क्या बजट का बजट वर्ड का उल्लेख नहीं है आ, में वर्ड याद नहीं कर पा रहा हूँ आर्टिकल कर रहा हूँ आर्टिकल मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ सर 1017 का मतलब कितना है आप साइंस के विद्यार्थी हैं बताइए तो जरा बीटेक वाले हैं 1017 का मतलब है 117 सर सॉरी 117 ठीक है ये तो आंकड़ा गलत बता रहे हैं अनुच्छेद 112 में अच्छा ये बताएं कि संविधान का जो अनुच्छेद 226 है और अनुच्छेद 32 है उन दोनों में फर्क क्या है सर जो अनुच्छेद 32 है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो रेमेडीज है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में है और जो 126 है उसमें एक सौ छब्बीस 226 उसमें हाई कोर्ट के अधिकार में क्या उसमें मूल अधिकार के हनन की स्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं सर वो रिट जारी करते हैं कितने प्रकार का रिट का उल्लेख है संविधान में चार प्रकार के रिट का उल्लेख है चार ही है पक्का पांच नहीं है सर चार जहाँ तक चार का नाम बताइए मैंडमस मैंडमसरी अक्वे वारंटो प्रोहिबिशन अच्छा हैबियस कॉर्पस भी होता है कोई रिट क्या होता है हैबियस कॉर्पस से हैबियस कॉर्पस के मतलब होता है टू हैव बॉडी तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आ, अगर आ, कोई अगर इलीगल तरीके से अगर किसी को अरेस्ट करता है तो कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट इशू करती है ठीक है प्रदर्शी आप जाते जाते बताएं कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे सॉरी सर मुझे याद नहीं है अभी कौन है राज्यपाल श्री फागू चौहान ठीक है प्रदर्शी आपसे बातचीत करके अच्छा लगा आपका इंटरव्यू हो गया आप जा सकते हैं थैंक यू सर बैठिए प्रदर्शी कैसा अनुभव रहा क्या क्या सही रहा क्या क्या गड़बड़ हुआ सर ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक रहा और मैं कुछ फैक्चुअल चीज़ों को मैं भूल गया हूँ तो मुझे लगता है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है और बिहार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मुझे देखने की ज़रूरत है तेरह अगस्त को है तो आपके पास बारह तेरह दिन चौदह दिन है ठीक yes, है कोई परीक्षा तो नहीं है इस बीच में नहीं सर ठीक है प्रियदर्शी ठीक लगा Uh, हम लोगों को परफॉर्मेंस हम लोगों ने डिस्कस किया आपका परफॉर्मेंस अच्छा है एंट्री थोड़ी और अच्छी हो सकती है एंट्री अच्छी हो सकती है का मतलब है कि आप जो दरवाज़ा खोल के झाँक रहे थे तो वैसे वहाँ मत कीजिएगा वहाँ पूरा दरवाज़ा खोल के दरवाजे के सामने खड़े होकर स्पष्ट ध्वनि में मतलब साफ उच्चारण करते हुए मे आई कम इन सर बोलना है ऐसे सर घुसा के झांकना नहीं है ठीक है और एंट्री थोड़े से चल के जो आते हैं वो थोड़ा सा और स्मार्टली आप स्टेप इन करें और एनर्जी के साथ और अभिवादन भी अपना ऊर्जा के साथ करें विश्वास के साथ करें कॉन्फिडेंटली करें लेकिन पोलाइटनेस बरकरार रहे पोलाइट रहते हुए कॉन्फिडेंट रहना है मतलब पोलाइटनेस के नाम पे दब्बू वाला बॉडी लैंग्वेज नहीं अपनाना है बैठने की भंगमा आपकी ठीक है आ, लेकिन ड्रेस यही पहन जाएंगे ओके तो शूज में बदलूँगा सिर्फ चेंज कर लीजिएगा हाँ में चेंज करो ठीक है और ठीक है तो सवालों का जवाब आपने ठीक ठाक दिया है कहीं कहीं आपने महसूस किया ही होगा कि कहीं कहीं आ, है सुधार की जरूरत है हमें यह लगा कि थोड़ा सा आप एनजाइटी के शिकार हैं मतलब आ, थोड़ी हवाहट में हैं। तो वो नहीं करिए कूल रहिए अच्छे से शांति से रहिएगा तो दिमाग ज्यादा सहज तरीके से कार्य करता है अब लिसनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए सुनते समय अटेंटिव रहिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कोशिश करिए कि एक बार में समझ में आए उनको रिपीट ना करना पड़े ऐसी नौबत ना आए और सवालों के जवाब देते समय अगर नहीं पता हो तो उसको सॉरी कहने के तीन चार पांच तरीके ढूंढ लीजिए सर ये मैं पढूंगा पढ़ना पड़ेगा अभी याद नहीं आ रहा है ठीक है और जब कभी कोई बोर्ड के सदस्य आपको किसी तथ्य को लेकर रिमाइंड करें तो उस पर थोड़ा सा पुनर्विचार करने की भंगिमा दिखाइए मतलब एकदम से ओवर तो कॉन्फिडेंस मत दिखाइए ओवर कॉन्फिडेंस नकारात्मक ध्वनि मानी जाती है ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब मान लीजिए कि, कि आपसे कहा गया कि चार रेट है कि पांच रेट है हो सकता है आपको एकदम यकीन आ रहा है कि नहीं नहीं चार ही है लेकिन अगर कोई वरिष्ठ सदस्य कह रहा है कि चार ही है पांच नहीं है तो आप उनको सम्मान देने की भंगिमा दिखाइए कि चूंकि आपने पांच कहा है तो मैं पुनर्विचार कर रहा हूं फिर आप कहिए वही जो आप चाहें कि सर मुझे तो चार ही आधार है लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं जाकर देख देखूंगा।, देखूंगा तो आप उनकी भी इज्जत रह जाएगी और आपका लचीलापन भी व्यक्तित्व तो में थोड़ा सा लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लर्निंग एपिटाइट होनी चाहिए क्योंकि जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है तो ये सब आपको जाहिर करना है क्योंकि व्यक्तित्व का ही परीक्षण है तो ये दिखाना है कि आप नई चीज़ सीखने को तत्पर रहते हैं और गलती इंसान से होती है लेकिन गलतियों के प्रति आप लोकतांत्रिक रवैया अपनाते हैं कि गलती हो सकती है और आप में सुधार करने के लिए ओपन है ठीक है ये आपको अपने व्यक्तित्व में रेडिएट करना है लेकिन अन्यथा आपका नॉलेज ठीक है जोग्राफी वगैरह के सवालों के जवाब आपने अच्छा दिया और हिस्ट्री पॉलिटी के भी जवाब आपके पास थे अच्छे जवाब थे तो नॉलेज आपका मोटे तौर पर सही है सिर्फ यही है कि दो तीन जगह पर आपको जहाँ शायद सॉरी कह देना चाहिए था या उसको हैंडल करने का जो तरीका वीडियो देखिएगा कि हैंडल करने का एक ज़्यादा थोड़ा सा परिपक्व तरीका अपनाना चाहिए था वो थोड़ा सा सुधार के वहाँ ज़रूरत है वो और अच्छा हो सकता है उससे आपकी छवि और अच्छी बनेगी ठीक है बाकी सब बढ़िया है तैयारी करिए जहाँ जहाँ गैप आपको इन्फॉर्मेशन गैप लग रहा है और बढ़िया दीजिए ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू सर थैंक यू सर